गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमटन पब्लिक स्कूल। तो आज मैं आपको हिंदी का 6th लेसन, झांसी की रानी, मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, आज मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो हमारा क्या है बच्चों, इस कन्या का नाम था, इस कन्या का नाम क्या नाम था, झांसी की रानी को बचपन में क्या बुलाते थे, मन्नूबाई। क्या बुलाते थे, मन्नूबाई। इसकी माता भगीरथी, ठीक है, इसकी माता क्या थी, इसकी माता का क्या नाम था, भगीरथी थी। इसकी माता भगीरथी थी, वह धर्मात्मा महिला थी, वह क्या थी, धर्मात्मा महिला। वह मन्नू को छोटी आयु में ही छोड़कर मर गई थी, और उसकी माता थी जो, वह जब वह छोटी सी थी तब उसकी उसे छोड़कर मर गई थी, इसलिए बच्ची का लालन पालन उसके पिता मौरोपंत ने किया था। मतलब उसकी जो बच्ची है उसका पालन पोषण उसको उसके पिता ने किया था, पिता मोरोपंत ने किया था। सभी उसे प्यार से छबीली कहते थे, क्या कहते थे, सभी उसे प्यार से छबीली। यह बालिका थी भी बहुत सुंदर, यह बालिका थी वह बहुत सुंदर थी। मन्नूबाई अन्य लड़कियों की तरह, जो मन्नूबाई थी वह अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों के साथ, गुड़ियों से नहीं खेलती थी। जो ये मन्नूबाई थी वह क्या करती थी, वह गुड़ियों के साथ नहीं खेलती थी, बल्कि अपने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था, इसने बचपन से ही हथियार चलाना सीख लिया था। यह शस्त्रों के साथ खेलती थी, मतलब हथियारों के साथ खेलती। घोड़े की सवारी में यह पुरुषों को भी मात देती थी, और जो घुड़सवारी होती है ना उसमें यह क्या करती थी, पुरुषों को भी मात दे देती थी, जैसे आदमियों को भी पीछे छोड़ देती थी। इसी मन्नूबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, और जो मन्नूबाई है इसका विवाह किसके साथ हुआ था, झांसी के राजा गंगाधर के साथ हुआ था। वह रानी अब वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी, और जो शादी के बाद उसका नाम क्या पड़ गया, रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में, जो उसने रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया, और उसने क्या किया, अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। और उन्होंने क्या है कि भी इनका जो नाम है वह इतिहास में लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा, इनको झांसी की रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का लोहा मानते थे, और अंग्रेज भी से शक्ति का लोहा मानते थे कि यह एक ताकत है, दूसरों का प्रभाव मानना, ठीक है, लोहा मानना होता है दूसरे का प्रभाव। बीस में इतनी ताकत थी कि अंग्रेजों को भी डरा कर रखती थी। हमें लक्ष्मीबाई पर गर्व है, और जो हमें क्या है, लक्ष्मीबाई पर गर्व है। इसके वर्ड मीनिंग है कन्या, लड़की, हट, जिद, प्रभु, भगवान, अमर, जो मरे नहीं, युद्ध, लड़ाई, गर्व करना, किसी से प्रभावित होकर उस पर अभिमान करना, ठीक है, किसी से प्रभावित होकर उस पर अभिमान करना। उसके बाद महावत, जो हाथी को चलाता है, भाग्य, किस्मत, मात देना, हरा देना, वीरांगना, वीर स्त्री, तो शक्ति, ताकत, लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव मानना। और जो आप ये आपको ये लेसन करवाया गया, आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड अच्छा इसको रीड करोगे, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।